क्लाइमेट चेंज के बारे में राजस्थान सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, और उसका कारण जो है हम लोग जो देख रहे हैं वो है कि एक तो ज़्यादातर खेती हो रही है, ज़्यादा खेती कर रहे हैं, जिससे जो ज़मीन के अंदर जो उपजाऊपन ख़त्म हो रहा है, दूसरा पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं उससे, और दूसरा है कि अकाल के दौरान लोग बाग पेड़ों को काट लेते हैं, जड़ से काट लेते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम उधर का है। और जो ग्राम पंचायत लेवल पे काम हो रहा है और उसको देखना चाहिए, और ग्राम पंचायत लेवल पे जो ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं लाइवलीहुड को लेकर भी काम कर रही, उसका तरीका जो है काम करने का वो अपना खुद का है, जिसमें भ्रष्टाचार भी चल रहा है और पैसे खर्च हो रहे हैं लेकिन इसका आउटपुट नहीं हो रहा, तो उसको पॉलिसी में लेना चाहिए। उदाहरण के रूप में है वाटरशेड कार्यक्रम का प्रोग्राम। वाटरशेड कार्यक्रम में प्रत्येक पंचायत को 30 लाख रुपये डायरेक्ट दिए जाते हैं, उसका मकसद यही है वाटरशेड प्रोग्राम करना, लेकिन जितना आउटपुट होना चाहिए उस पैसे के रूप में वो इनपुट नहीं हो रहा था। इसको जो है साइंटिफिक तरीके से पॉलिसी में डाल करके उसका उपयोग करना चाहिए ताकि ये जो इसका इफेक्ट हो सकता है। दूसरा है जो कि ये इसको एक रिसर्च के रूप में लेकर के होना चाहिए कि पिछले 5 साल में ग्राम पंचायतों में जो 30 लाख और वाटरसाइड कार्यक्रम का जो काम हुआ है उसका इनपुट कितना हुआ है, उसको अब मैं किस तरह से पॉलिसी में डाल के और साइंटिफिक तरीके से की जाए और ग्राम पंचायत स्तर पर उसको लागू उस तरीके से किया जाए ताकि इस पर बहुत बड़ा आउटकम जो है आ सकता है। अभी के वर्तमान सिचुएशन को अगर देखें तो हम लोगों को इसमें बच्चों से ज़्यादा इसके बारे में समझाया जाए, स्कूलों में इसको ज़्यादा विषय के रूप में लेकर के एक क्लाइमेट चेंज के बारे में किया जाए। संस्था एक्चुअली में जो काम कर रही है वो है कि ये कुंड बनवा रहे हैं और पानी की व्यवस्था दे करके पेड़ पौधे वगैरह लगाने का काम कर रहे हैं, प्लस ट्रैक्टरों से ज़्यादा खेती नहीं हुई इसको अवॉइड करने का काम कर रही है, तो इस तरह के काम जो है वो कर रही है।